हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल नंबर 2, देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस ऑर्डर बी। हमें यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं जिनको हमें रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में राइट डाउन करना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको हमें यहाँ पे ए प्लस आल्टा बी की फॉर्म में राइट डाउन करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है सीखते हैं। सबसे पहले देखो, फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, माइनस का 5 आल्टा और साथ में हमें दे रखा है 1/8 आल्टा। आटा ऊपर दे रखा है न्यूमरेटर में, ये चीज ध्यान देनी है आपको। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सबसे पहले रियल पार्ट को रियल से मल्टीप्लाई करो, माइनस 5 की 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5/8 आ गया। यहां पे क्या आ गया, आटा की आटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आटा का स्क्वायर आ गया। क्लियर है। अब यहां पर लिखना है वी नो, हमें पता है कि आटा स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, -1 के। बस वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ गया यहां पे, माइनस का 5/8 और मल्टीप्लाई बाय -1। -1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ गया 5/8। अब ये रिजल्ट जो आया है हमारा, ये रियल नंबर आया है, इमेजिनरी पोर्शन तो नहीं आया यहां पे। तो हम इमेजिनरी पोर्शन को कैसे ऐड करेंगे, प्लस में 0 आटा करके, क्योंकि 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई होगी 0, रिजल्ट रहेगा 5/8। अब कई बार यहां पे क्या करता है कि जो हमारा एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके लिखिए, तो इसको हम क्या कर लेंगे यहां पे a प्लस आटा b से कंपेयर कर लेंगे। ये कर लिया तो यहां पे a की वैल्यू क्या हो गई 5/8 और b की वैल्यू क्या हो गई 0। इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। अब सेकंड पोर्शन पे चलते हैं, सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड ध्यान देना, माइनस का आटा, फिर हमें दे रखा है 2 आटा और फिर हमें दे रखा है माइनस का 1/8 आटा इसका क्यूब। सबसे पहला काम क्या है भाई, पावर को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या है यहां पे, माइनस का आटा, फिर 2 आटा और यहां पे अलग अलग कर लो, -1 की पावर 3, नीचे 8 की पावर 3 और यहां पे आटा की पावर 3। क्लियर बात है, आगे चलते हैं। ये क्या है, माइनस का आटा, फिर 2 आटा, -1 की ओड पावर दे रखी है तो ये आ जाएगा -1/8 का क्यूब, मतलब 8 × 8 × 8 और ये क्या है आटा का क्यूब। आटा की पावर यहां पे 1 है, ये भी 1 है, ये क्यूब है, तो कितना हो गया आटा की पावर 5। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहां पे प्लस का ये आ गया और हमारे पास 2 × 8 / 5 8 × 8 × 8। क्लियर, 2 से कट करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 आ गया मेरे पास r^5 / 8 = 64, 4 = 256। ये रिजल्ट आ गया मेरे पास। अब हमें पता है आटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो मुझे क्या करना है, इसको आटा स्क्वायर की फॉर्म में राइट डाउन करना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, r^5 / 256 है तो क्या हो जाएगा, ये इसको मैं आटा स्क्वायर का स्क्वायर और इनटू में आटा लिख सकता हूं या नहीं, ध्यान से देखो, 2 × 2 = 4 पावर हो गई और यहां पे 1 पावर अलग हो गई, तो 4 × 1 = 5 पावर और डिवाइड बाय 256। बस हो गया काम, आटा स्क्वायर की वैल्यू -1 का स्क्वायर × आटा / 256। तो फाइनल रिजल्ट जो आ गया मेरे पास वो आ गया, ये तो हो गया 1 की आटा से मल्टीप्लाई आटा बाय 256। ठीक है, अब इसका रियल पार्ट लिखना है तो इसको कैसे लिख देंगे, 0 + आटा बाय 256। अब इसको कंपेयर करके लिखना हो तो ए की वैल्यू 0 हो गई और बी की वैल्यू क्या होगी, 1/256। बस ये काम करना है, समझ में आ गया क्वेश्चन, क्रिस्टल क्लियर है किस प्रकार से हमें सिंप्लीफाई करना है। कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा हो, सबसे पहले आटा को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसको हमें रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में राइट डाउन करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना, सारे की सारी क्लास 11th की वीडियो आपको नेक्सा क्लासेस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं, और सारे चैप्टर्स के एग्जाम्पल भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।